नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को हरियाणा निवास में डिजिटल हरियाणा के विजन को साकार करने के लिए सुशासन दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 10 राज्य स्तरीय सुशासन पुरस्कार दिए। डिजिटाइजेशन की पहल पर आगे बढ़ते हुए कोविड-19 महामारी के संकट काल में भी लगभग हर विभाग में दिन प्रतिदिन के सरकारी कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया ताकि सरल, नैतिक, जवाबदेह और पारदर्शी शासन सुनिश्चित किया जा सके। ई खरीद, ऑनलाइन रिलीज ऑर्डर और बिलिंग सिस्टम, ERP सॉफ्टवेयर, जन सहायक मोबाइल ऐप, अंत्योदय सरल, आयुष्मान भारत, ई संजीवनी, OPD, टेली कंसल्टेशन जैसे ई पहलों की शुरुआत करते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचे और विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान भी हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाई जा सके। प्रदेश में फसलों की खरीद को सरल बनाने के लिए ई खरीद पोर्टल की शुरुआत करने के लिए खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव PK दास और टीम सदस्यों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। सरकारी विज्ञापनों और उनके भुगतान में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन रिलीज ऑर्डर और बिलिंग सिस्टम ERP सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए सूचना, जनसंपर्क एवं विभाग भाषा के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरा खंडेलवाल, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक PC मीणा व विभाग के अतिरिक्त निदेशक वर्षा खंगवाल और प्रदीप कौशल, सीनियर तकनीकी निदेशक NIC को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। विविधीकरण और कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए कृषि और विकास कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह, महानिदेशक बागवानी डॉ. अर्जुन सिंह सैनी और उनकी टीम के सदस्यों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। भूजल पुनर्भरण द्वारा पानी की आपूर्ति में वृद्धि करके कृषि का विकास करने के लिए सिंचाई और जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह और टीम के सदस्यों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। कोविड-19 सर्वेक्षण के तहत डोर टू डोर सर्वे करने के लिए आशा सर्वेक्षण ऐप विकसित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त राजीव अरोड़ा, नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा के परियोजना निदेशक डॉ. प्रभजोत सिंह और टीम के सदस्यों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। ई संजीवनी, OPD, टेली कंसल्टेशन सेवाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा के परियोजना निदेशक डॉ. प्रभजोत सिंह और टीम के सदस्यों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। आयुष्मान भारत योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक अशोक कुमार मीणा, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की महानिदेशक अमनीत पी कुमार और टीम के सदस्यों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी के लिए टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा के परियोजना निदेशक डॉ. प्रजोत सिंह और टीम के सदस्यों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। अंत्योदय सरल प्रोजेक्ट के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता और टीम के सदस्यों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। जन सहायक मोबाइल ऐप विकसित करने के लिए जन सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, फरीदाबाद के उपायुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग में मुख्य सचिव कार्यालय और टीम के सदस्यों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया।